शुरू होने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आवाज आ रही है सबको? जी जी आ रही है। एंड प्लीज इन केस आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो हैंड रेज कीजिएगा, और उसके बाद जब मैंने अलाउ किया उसके बाद आप अपना माइक ऑन करके आंसर कीजिएगा, ठीक है? एंड चलो स्टार्ट करते हैं, और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के इस लेक्चर में हम बेसिक्स करेंगे सी प्लस प्लस के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंटेक्स से स्टार्ट करते हैं। सी प्लस प्लस का जो सिंटेक्स है इसमें हेडर फाइल, सी आउट और एस्केप सीक्वेंसेस वगैरह वगैरह से स्टार्ट करते हैं। तो होपफुली तुम लोगों ने पिछले सेमेस्टर में पाइथन या सी या कुछ इस तरह का पढ़ा होगा। तो सी प्लस प्लस पाइथन से थोड़ी सी डिफरेंट है। कोई हैंड रेज कर रहा है? एनीवेज चलो, तो सी प्लस प्लस जो है ये पाइथन से थोड़ी सी डिफरेंट है। इसका जो मेन सिंटेक्स है वो हमारे पास हेडर फाइल से स्टार्ट होता है। लाइक हमें जो भी हम सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखेंगे उसमें हमें सबसे पहले एक हेडर फाइल इंक्लूड करानी पड़ेगी। और हेडर फाइल को इंक्लूड कराने का क्या तरीका है? हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ये सबसे पहले हैश इंक्लूड हम लिखते हैं और उसके बाद हेडर फाइल का नेम लिखते हैं। आईओ स्ट्रीम की जो फाइल है ये बेसिकली हमारे पास कुछ सी प्लस प्लस के फंक्शंस को इंक्लूड करवाती है, जिन फंक्शंस में हमारे पास सी आउट, सी इन या इस तरह के फंक्शंस आ जाते हैं। लाइक अभी सी आउट हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले कराता है एंड ये फंक्शन इस हेडर फाइल के अंदर स्टोर्ड है। अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो यू सी हमारे पास ये आउटपुट इस तरह आ जाएगी, हेलो वर्ल्ड। ओके, एंड इन केस मैं सॉरी इस हेडर फाइल को यूज़ नहीं करता, इसे मैंने कमेंट आउट कर दिया है, तो ये देखो यहाँ पर एरर आ जाएगा। ये सी आउट को रिकग्नाइज नहीं कर रहा क्योंकि जो सी आउट है वो इस लाइब्रेरी के अंदर स्टोर्ड है। ओके, एंड इन केस मैं इस लाइब्रेरी को इंक्लूड नहीं करता तो ये हमें इसे यूज़ नहीं करने देगा, एंड एज रिजल्ट हमारे पास एरर आ जाएगा। एनी क्वेश्चंस? लगता है फिर मुझे कंटिन्यू करना चाहिए अगर किसी के क्वेश्चन नहीं है तो। ब्रदर मैं फ्रेशर हूँ तो सी सीखनी थी, तो आप सी प्लस प्लस सिखा रहे हैं जी, आपने सी सीखनी थी जी। बट ये जो है इस कोर्स में तो मैंने तो सी प्लस प्लस ही सिखानी है। सी से मिलती जुलती है ना, बस सिंटैक्स ही डिफरेंट है थोड़ा, तो मैं कंटिन्यू कर लूंगा। थोड़ा सा डिफरेंट है बस, सी एन और सी आउट की जगह उसके डिफरेंट वेरिएबल्स के नेम्स आ जाते हैं। जिस तरह यहाँ पर आउटपुट के लिए मैंने सी आउट लिखा है, उस तरह आई थिंक सी के अंदर स्कैन एफ आता है और प्रिंट एफ आते हैं, ये दोनों होते हैं, बाकी तकरीबन सेम ही है। जी मोहम्मद, ठीक है, जहां कोई डिफरेंस हुआ थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ओके जी, मैंने पूछना था ये आप कौन सी आईडी इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं डेव सी प्लस प्लस को यूज कर रहा हूँ। अच्छा, वैसे हमारे कोर्स में हमें कोड ब्लॉक्स करा रहे हैं, वो ठीक है? सारे ठीक हैं, बट आई गेस डेव बेस्ट है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल टू यूज है, सिंपली इसे इंस्टॉल कर लो और रन करो। सही, चलो ठीक है, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? हैंड रेज किया करें पहले प्लीज। रेहान आप बोलें पहले। मैंने पूछना था कि आप C++ हमें क्या क्या सिखाएंगे? सी प्लस प्लस की कंप्लीट आउटलाइन मैंने शेयर तो की थी कम्युनिटी के अंदर, अभी हमारे सेपरेट ग्रुप्स बनाने का मैंने कहा हुआ है उन्हें, तो वो ग्रुप जब बन जाएगा तो मैं आउटलाइन स्पेसिफिकली ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा।
उस आउटलाइन में आपको सारा पता चल जाएगा कि क्या क्या मैंने बाद में सिखाना है और अभी सिखाना है। बेसिकली जो भी आप पीएफ के कोर्स में पढ़ेंगे वो सारा मैं इसमें सिखाऊंगा। ओके चलो चलो ठीक है, थैंक यू। और शहीर आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं करना ही चाह रहा था कि अभी हमारी क्लासेस मतलब जो भी नए शुरू हुए हैं तो ये आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ कि सर ये जो बेसिक टर्म्स है ना, मैं प्री मेडिकल का हूँ और अभी हमारे 2 हफ्ते हुए क्लासेस स्टार्ट हुए, तो मुझे ये सेंटेक्स सी आउट इन चीज़ों का भी नहीं पता, काइंडली बिल्कुल बेस से ये चीज़ें जो हैं ये भी बता दें थोड़ा थोड़ा। सही है, ठीक है चलो। तो और दूसरी बात ये कि जो जी बोलें, दूसरी बात ये कि जो हमारे सर हैं ना, मतलब थ्योरी के जो सर हैं वो हमें सी प्लस प्लस और सी दोनों मिला के पढ़ा रहे हैं, और जो हमारे लैब वाले सर हैं वो हमें सी में काम करवा रहे हैं, तो ये मतलब ये डिफरेंट चीज़ें हैं, तो इनको भी आप काइंडली मिक्स करके बताइएगा। नहीं, इतनी ज़्यादा ये डिफरेंट नहीं है, इनमें बस इनपुट आउटपुट का ही डिफरेंस है, बाकी तकरीबन जिस तरह फंक्शन या कंडीशन वगैरह लगती हैं वो सारा तकरीबन सेम है। अच्छा ठीक है, बस मेरा कहने का मकसद ये था कि थोड़ा बेसिक जो टर्म्स हैं इनको भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, और मतलब जैसे कि बिल्कुल मेरे जैसे भी होंगे कुछ उनके लिए। ओके ठीक है, थैंक यू। तो चलो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हेडर फाइल्स का तो बेसिकली सब कुछ समझ आ गया, ये लाइब्रेरीज होती हैं और इन्हें इंक्लूड करने के लिए बस हैश इंक्लूड इस तरह का लिखते हैं। ये सी प्लस प्लस का सिंटैक्स एज कम्पेयर टू एनी अदर लैंग्वेज, जितनी भी लैंग्वेजेज हैं अभी तक मैंने पढ़ी हैं उन सब में से इसका सबसे डिफ़िकल्ट सिंटेक्स है। तो ये तो बेसिकली हर प्रोग्राम से पहले हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन, ये आपको लिखना पड़ेगा। जो प्रोग्राम सी प्लस प्लस का स्टार्ट होता है वो बेसिकली यहाँ से होता है, यहाँ से, ठीक है। ये अगर मैं ना लिखूँ इसकी जगह यहाँ से हमारा जो भी प्रोग्राम होगा सी प्लस प्लस का स्टार्ट होगा, ये बाकी सब कुछ आपको एज इट इज प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा जो भी आप प्रोग्राम करोगे सी प्लस प्लस के अंदर। तो सबसे जो बेसिक कमांड है सी प्लस प्लस में है वो है हमारे पास सी आउट, और सी आउट के बाद आ जाते हैं ये 2 डबल कॉलन, ये भी सी प्लस प्लस के सिंटेक्स में आता है, ठीक है। और सी आउट किसके लिए यूज होता है, ताकि हम कोई भी मैसेज प्रिंट कराएं स्क्रीन पर, और मैसेज प्रिंट जो भी हमने करवाना है उसे हम डबल कोटेशंस के अंदर करवाएंगे। जी रेहान, मैं कहना था कि आप साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करेंगे लेक्चर की? स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैनेजमेंट के किसी बंदे का काम है और वही रिकॉर्ड करेगा। फाइनली उन्हें कहें कि कर लें, इतने बाज़ूकात कभी कभी लेक्चर स्किप हो जाता है तो बंदा स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर देख लेता है। ओके थैंक यू। सो एक चलें वो कर ही रहे होंगे ऑफ कोर्स। चलें दोबारा आ जाते हैं यहाँ तक, किसी को क्वेश्चन तो नहीं है। जो भी हमें सी आउट के अंदर मैसेज डिस्प्ले कराना होता है वो हम डबल कोटेशंस के अंदर लिखते हैं, ठीक है, और मैसेज के एंड में हमें टर्मिनेटर डालना है। अभी इन दोनों डबल कोटेशंस के दरमियान में जो कुछ लिखूंगा वो हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू रन इट, और ये देखो जो भी मैंने वहाँ पर लिखा था वो सारा यहाँ पर मेरे पास डिस्प्ले हो गया। और बहुत ही ट्रेडिशनल वे से अगर हम आए तो यहाँ पर मोस्टली हेलो वर्ल्ड का मैसेज लोग प्रिंट करते हैं। सो हियर इट इज, हमारे पास ये भी एज इट इज इसी तरह डिस्प्ले हो जाएगा। तो होपफुली अभी जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं उन सबको ये पता चल गया होगा कि किस तरह एक मैसेज को हम डिस्प्ले कराते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। अगर इसमें भी किसी को क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर सकता है। जी बोलें। बजात आपने हैंड रेज किया है? ये ब्रो यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी क्या चीज है? अच्छा, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इसलिए यूज होता है ताकि ये जो कमांड्स हैं इन्हें स्टैंडर्डाइज करवाया जा सके। अब
ये भी बस मैं आप तुम लोगों को यही कहूंगा कि ये याद रख लो कि ये यूज करते होते हैं, क्योंकि इन केस इसे ना यूज करो तो हर कमांड से पहले जिसे भी हम रन करेंगे उससे पहले एसटीडी डबल कॉलन यूज करना पड़ेगा ताकि ये हम इसे एज अ स्टैंडर्ड बनाकर रन कर सके। इन केस मैं ये नहीं लिखता एसटीडी डबल कॉलन तो ये मुझे एरर दे देगा, ये इस कमांड को एज अ स्टैंडर्ड नहीं मानेगा और इसे रन नहीं करेगा। तो हर कमांड से पहले ये लिखने से बेटर यही है कि यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिख लो। ठीक है जी बोलें। मैंने ये सुना था कि अगर आप ये करेंगे ना यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी तो ये मतलब लाइब्रेरीज के कुछ फंक्शन पर आपस में कोलाइड होना शुरू हो जाते हैं और एरर आ जाते हैं बाद औकात। नहीं तो हमारे जो अभी हम पीएफ के लेवल तक पढ़ रहे हैं इसमें तो कोई इशू नहीं आता है इसमें। अच्छा चलो ठीक चलिए, तो अभी सबका होपफुली सी आउट तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है अगर नहीं हुआ तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो क्लियर हो गया होगा तो हेडर फाइल हमारी होगी सी आउट हो गया। चलो ठीक है और नेक्स्ट हम भी हम आ जाते हैं एंडल पर। जब भी हमें नेक्स्ट लाइन पर जाना पड़े इसके अंदर अभी सी आउट में हम मल्टीपल इस तरह मैसेजेस प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है एक मैंने यहाँ पर मैसेज लिखा और उसके बाद सेम मैं यहाँ पर डबल कॉलन डालूंगा और जो भी मैंने इसके बाद लिखना हो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ लाइक एंडल। एंडल हमारे पास क्या करता है एक लाइन को एंड कर देता है और नेक्स्ट लाइन पर हम चले जाते हैं। ठीक है एंडल के बाद जो भी मैंने दोबारा मैसेज लिखना हो उसके लिए मैं दोबारा ये डबल कोटेशन ये डालूंगा तो लेस देन के मार्क्स और डबल कोटेशन के अंदर जो भी मैंने मैसेज प्रिंट करना हुआ मैं प्रिंट करूंगा तो वो मेरे पास नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट होगा। तो सी पहली लाइन में हेलो वर्ल्ड और दूसरी लाइन में इसके बाद जो मैंने लिखा था वो सारा प्रिंट हुआ है। ठीक है एनी क्वेश्चन या ये आप सबको समझ आ गया है? सो होपफुली ठीक है सबको समझ आ गया होगा। और उसके बाद आ जाते हैं एस्केप सीक्वेंसेस पर। एक तो हमारे पास मेथड ये है कि एंडल लिखते हैं और एंडल हमारे पास नेक्स्ट लाइन पर लेकर जाता है बट इन केस एक और मेथड भी है जिसे हम कहते हैं एस्केप सीक्वेंसेस नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए। तो एस्केप सीक्वेंसेस काफ़ी सारे होते हैं बट यहाँ पर अभी मैं तुम लोगों को दो ही का बताऊँगा बाकी तुम सारे खुद ही गूगल कर लेना क्योंकि इन्हें यूज़ करने का मेथड बहुत सिंपल है। ठीक है हेलो वर्ल्ड और बैक स्लैश बैक स्लैश टी बेसिकली क्या करता है जब भी तुम कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो लाइक मैं अभी यही कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ इसका तो ये मैंने कुछ भी लिखा तो मैं टैब प्रेस करता हूँ ये 8 स्पेसेस देकर आगे चला जाता है। ठीक है सिमिलरली कंपाइलर में अगर कोई भी मैसेज मैंने प्रिंट आउट कराना हो एंड 8 स्पेसेस देनी हो टैब प्रेस करना हो तो उसके लिए मैं बैक स्लैश टी को यूज़ करता हूँ। लेट्स से हेलो वर्ड के बाद मैंने अली लिखा है बैक स्लैश टी प्रेस करके यहाँ पर इनपुट करके तो ये क्या करेगा ये देखो 8 स्पेसेस यहाँ पर ये दे देगा बेसिकली एंड उसके बाद अली को यहाँ पर प्रिंट आउट कर देगा। सिमिलरली अगर नेक्स्ट लाइन पर जाना हो तो बैक स्लैश एन आ जाता है। ठीक है इसको लिखो तो ये हमारे पास नेक्स्ट लाइन पर अली को प्रिंट कर देगा। और बाकी भी इस तरह काफ़ी सारी एस्केप सीक्वेंसेस होती हैं बैक स्लैश ए हो गया बैक स्लैश बी या इस तरह की चीज़ें वो तुम लोग खुद गूगल करके देख लेना क्योंकि वो ज़्यादातर यूज़ नहीं होती और बहुत कम यूज़ होती हैं और ये दोनों मोस्टली यूज़ होती हैं तो इसलिए ये मैंने तुम लोगों को करा दी हैं और वैसे भी इनके सिंपल फंक्शन हैं और सिंपली इसी तरह पुट होती हैं तो होपफुली तुम लोग खुद गूगल से देख लोगे। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो वो मुझसे पूछ सकता है अगर नहीं है तो हम कमेंट्स वगैरह तक आगे फॉरवर्ड करते हैं। आई थिंक किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो आगे ही फॉरवर्ड करते हैं। तो C++ के अंदर होती हैं कमेंट्स भी। कमेंट्स को यूज़ करके जो कोडर्स होते हैं वो इस तरह कर सकते हैं कि अपने कोड के अंदर हिंट्स दे सकते हैं कि ये कोड का फंक्शन ये कोड की लाइन क्या काम करती है
लाइक जैसे ही मैं ये डबल बैक स्लैश डालूंगा, बैक स्लैश या स्लैश, आई थिंक स्लैश कहते हैं इसे, जब ये मैं डबल स्लैशेस डालूंगा उसके बाद जो भी मैं लिखूंगा वो हमारे कंपाइलर पर एक्सिक्यूट नहीं होगा। लाइक अभी मैं ये पूरी लाइन उठाकर लिख देता हूँ सी आउट वाली, यहाँ पर कि सी आउट हेलो वर्ल्ड 1 2 3 या कुछ भी। अभी जैसे जब मैं अपने प्रोग्राम को रन करूँगा ये हमारे पास डिस्प्ले नहीं होगा। नीचे वाली को मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि क्लियरली तुम लोगों को पता चले। अब ये देख लो, ये पहले वाला प्रिंट हुआ है हेलो वर्ल्ड, उसके बाद नीचे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसे बेसिकली कमेंट कर दिया था। जब किसी भी लाइन को कमेंट करते हैं तो वो हमारे कंपाइलर में डिस्प्ले नहीं होती, वो रन नहीं होता कोड। ओके, लाइक इसके बाद अगर मैं एक और लाइन कोई भी प्रिंट कर रहा हूँ रेस्ट वर्ल्ड, तो इससे अगली और इससे पिछली लाइनें, मेरी कमेंट से अगली और पिछली लाइनें सारी प्रिंट होंगी, बस ये वाली लाइन मेरे से स्किप हो जाएगी। ये बेसिकली सिर्फ इसीलिए यूज होती है ताकि कोडर्स अपने कोड को एक्सप्लेन कर पाए। अभी मैं अपना कोई कोड लिखता हूँ और किसी को भेज देता हूँ तो उसे क्या पता मैंने ये वेरिएबल क्यों बनाया है, फलान ढमकान मैंने क्यों किया है, तो उस चीज़ को अपने कोड को एक्सप्लेन करने के लिए कोडर्स कमेंट्स को यूज करते हैं। एक सिंगल लाइन कमेंट होती है, एक मल्टीपल लाइन कमेंट होती है। सिंगल लाइन कमेंट से पहले डबल स्लैश आती है जो मैंने तुम लोगों को अभी बताया था, और जो मल्टीपल लाइन कमेंट होती है उससे पहले स्लैश और स्टेरिक आता है। जैसे ही मैं ये डालूंगा उसके बाद ये देखो सारी का कलर चेंज हो गया है, ठीक है। तो इसके अंदर अब मैं जितना कुछ भी लिखूंगा वो सारा मेरे पास कमेंट आउट हो जाएगा, लाइक वट एवर आई राइट है। ओके, वो सारा हमारे पास रन नहीं होगा। और इस तरह मैं अगर मल्टीपल लाइंस में कुछ भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ या कोई हिंट देना चाहता हूँ अपने कोड के बारे में, तो वो मैं इस तरह मल्टीपल लाइन कमेंट्स को यूज करके दे सकता हूँ। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो वो पूछ सकता है, अगर नहीं है तो हम आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। जी बोलें। ये स्लैश स्टैटिक जो है इसको, इसका फंक्शन खत्म करने इसके बाद मतलब जितना मर्जी लिखेंगे वो नहीं लिखोगा, तो इसका फंक्शन खत्म करने के लिए एंड पे हमें दोबारा लगाना पड़ेगा स्लैश स्टैटिक। जी, दोबारा इसी तरह स्टैटिक और उसके बाद ये स्लैश डालनी पड़ेगी। जैसे ही आप ये डालोगे उसके बाद आप जो कुछ भी लिखोगे वो एज अ कोड ही वर्क करेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, वेलकम। आगे कंटिन्यू करें या किसी और का कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी आ जाते हैं C++ के अंदर वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स पे। तो वेरिएबल्स बेसिकली क्या होते हैं? वेरिएबल्स एक ऐसे मेमोरी लोकेशन होते हैं जहां पर हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ये तो सारा वही कोड है यहाँ तक जो मैंने पहले लिखा था, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी इंट मेन और ये ब्रैकेट्स वगैरह, ये सारा वही है जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था, ठीक है। ये हर प्रोग्राम से पहले तुम लोगों का यूज होगा और आगे यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो इंटीजर टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं वो होते हैं जिनमें हम किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टोर करते हैं, और इन्हें बनाने के लिए इंट नाम की ये डाटा टाइप यूज़ होती है। अब इन्हें बनाने का सिंपल क्या तरीका है, इंट और आगे जो हमारे वेरिएबल का नाम हमने रखना है, लाइक वेरिएबल के लिए हम वार लिख सकते हैं, कोई भी अपनी मर्जी का नाम हम यहाँ पर लिख सकते हैं। वेरिएबल बनाने के कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, लाइक हमारा जो वेरिएबल का नाम है वो हमेशा एक अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। वो कैपिटल हो सकता है, वो स्मॉल हो सकता है, बट वो एक नंबर नहीं हो सकता। लाइक अभी मैं 1 बार लिख रहा हूँ तो वो हमारे पास वर्क नहीं करेगा। इसमें अगर मैं इन केसेस से रन करता हूँ वो मुझे एरर दे देगा। और उसके अलावा जब भी मैं किसी भी वेरिएबल का नाम लिखता हूँ तो उस नेम के अंदर मैं स्पेस नहीं दे सकता। लाइक अभी मैं इस तरह लिख दूँ वार एज एस, ओके, तो ये मुझे एरर दे देगा और ये रन नहीं करेगा। एंड इसके अलावा थर्ड रूल हमारे पास ये होता है कि इसके अंदर वेरिएबल नेम के अंदर हम कोई भी स्पेशल करेक्टर इंक्लूड नहीं कर सकते। लाइक मैं अगर यहाँ पर
वेरिएबल का नेम कुछ ऐसा रख देता हूँ वी एट द रेट आर, तो ये भी इनकरेक्ट है। जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा वो मुझे यहाँ पर एरर दे देगा कि ये इनकरेक्ट है। तो ना ही आप लोग स्पेस दे सकते हो, ना ही स्पेशल करेक्टर यूज कर सकते हो, और जो फर्स्ट करेक्टर है उसे हमेशा हमेशा एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, वो इंटीजर नहीं हो सकता। एंड इन केस एक स्पेशल करेक्टर आप यूज कर सकते हो पूरे वेरिएबल नेम के अंदर, दैट इज अंडरस्कोर। ये इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ओके सो लेट्स कंटिन्यू। तो इंटीजर टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें हम किसी भी नंबर को स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर वेरिएबल हमारे पास ऑलमोस्ट 4 bytes का होता है और काफ़ी हद तक इसमें नंबर स्टोर हो जाते हैं। तो इसमें हमारे पास बेसिकली नंबर स्टोर होते हैं और एज इट इज़ नंबर स्टोर हो जाता है, उसके अगेंस्ट कोई भी हमें स्टेरिक या कोई सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन या इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं डालनी होती। ओके और उसके बाद सेकेंड टाइप हमारे पास आ जाती है करेक्टर। करेक्टर के अंदर हमारे पास ओनली सिंगल करेक्टर स्टोर होता है, वो हमारे पास अल्फ़ाबेट हो सकता है, वो हमारे पास कोई भी इंटीजर हो सकता है, वो हमारे पास कोई भी स्पेशल करेक्टर हो सकता है, या कुछ भी हम स्टोर कर सकते हैं करेक्टर के अंदर। और मेरा अभी आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो मैं 5 स्टोर कर रहा हूँ और इंटीजर के अंदर मैं जो 5 स्टोर कर रहा हूँ उनमें क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? जी बोलें। आवाज नहीं आ रही आपकी, सॉरी। ये जो इन्वर्टेड कॉमा साइड पे लगाए हैं आपने 5 के, इंटीजर में आपने नहीं लगाए ना? जी। तो इसका क्या डिफरेंस होगा, इंटीजर में आपने क्यों नहीं यूज़ किए? यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ। ये मैंने बेसिकली एक करेक्टर बनाया और ये मैंने एक इंटीजर बनाया। जी बोलें। करेक्टर को हमेशा सिंगल कोट्स में लिखा जाता है, इंटीजर्स विदाउट कोट्स आ सकता है। इंटीजर इंट में जहां लिखा है वहां पे 5 इंटीजर है और करेक्टर में 5 करेक्टर है। और इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कौन सा ऐसा काम है? ठीक है, बिट डिफरेंट होगी। कौन सा ऐसा काम है जो ये कर सकता है जो ये नहीं कर सकता? Anyone? सर ये बेसिकली 5 जो है ये इसका मेरे ख्याल से उसके कोड रन होगा, इसके पीछे जो करेक्टर होगा वो उसको मतलब रन हो पाएगा। चलो मैं खुद ही बता देता हूँ। ये जो ए है ये हमारे पास बेसिकली इंटीजर है, ये जो ए के अंदर हमारे पास 5 नंबर स्टोर हुआ हुआ है, और ये हमारे पास जो है जो 5 है ये एक करेक्टर है। करेक्टर और नंबर में ये फर्क है कि इस पर हमारे कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस, लाइक मैं किसी से इसे मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं इसे कर सकता हूँ, बट ये हमारे पास करेक्टर है, ये हमारे पास नंबर नहीं है, ये एज अ करेक्टर एक्ट करेगा। इससे मैं किसी को ऐड नहीं कर सकता, किसी को सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, किसी को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने थोड़ी सी देर बस पहले बताया था कि ये हमारे पास एज अ करेक्टर एक्ट करेगा, और अगर एज अ नंबर इसे एक्ट कराना है तो इसकी डाटा टाइप हमें रखनी पड़ेगी इंटीजर। ओके एंड यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है फ्लोट। जी बोलें। फिर करेक्टर का काम क्या है, मतलब b इज इक्वल टू 5 तो इसका क्या काम होगा? ना इसको हम ऐड कर सकते हैं ना मल्टीप्लाई, तो इसका क्या काम है? करेक्टर बेसिकली हमारे पास कंडीशंस के अंदर मोस्टली यूज होते हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर यूज होते हैं। लाइक जिस तरह हम अभी कोई प्रोग्राम बनाते हैं C++ का ही, उसके अंदर हम एक मेन्यू बना देते हैं लाइक प्रेस 1 टू डू दिस फंक्शन, प्रेस 2 टू डू दिस फंक्शन, 3 टू डू दिस फंक्शन, तो उसके अंदर हमारे पास ये यूज हो सकता है। ओके ओके
आगे मैं कंटिन्यू करूं या किसी और का कोई क्वेश्चन है जी बोलें? इसमें हमने 5 के साथ डबल इनवर्टेड कॉमास क्यों नहीं यूज किए? क्योंकि जो करैक्टर होता है उसका सिंटेक्स यही है कि आप उसके साथ सिंगल कोटेशंस को यूज करो। करैक्टर्स को आप डबल कोटेशंस के अंदर नहीं असाइन कर सकते, इनिशियलाइज नहीं कर सकते। तो अगर डबल लगाएंगे तो एरर दे देगा, एरर आएगा। ठीक है, चलो अभी मैं नेक्स्ट फॉरवर्ड करता हूँ। अभी इंटीजर के अंदर जो मैंने 5 लिखा है, ये हमारे पास एज इट इज 5 ही एक्ट कर रहा है। इसके अंदर अगर मैं पॉइंट में अगर कोई वैल्यू देता हूँ तो वो मुझे एरर दे देगा जब भी मैं इसे रन करूँगा। या सिर्फ ये देखो, इसने मुझे 5 ही दिया है, आगे जो भी मैं लिखता हूँ उसे ये इग्नोर कर रहा है। 5 के आगे मैंने जो भी लिखा था ना 5.4, उसे ये इग्नोर कर रहा है और उसकी मुझे आउटपुट नहीं दे रहा है। ठीक है, एंड इस इशू को ओवरकम करने के लिए C++ के अंदर हमारे पास एक फ्लोट की डाटा टाइप है, ये यूज होती है, और इसके अलावा एक और डाटा टाइप है डबल की, वो यूज होती है। और अभी तो चलो मैं तुम लोगों को सिर्फ फ्लोट को इशू करा देता हूँ और उसके बाद डबल का भी दिखा दूंगा। एंड इन केस अभी मैं इसे रन करता हूँ तो ये इसमें मुझे प्रॉपर 0.5 को शो करा रहा है। या मैं इस तरह करता हूँ, सेम तुम लोगों को 5.4 ही रन करके दिखा देता हूँ। अभी जब मैंने A को रन किया था तो उसने आगे जो भी लिखा हुआ है वो इग्नोर कर देता है। कुछ IDEs के अंदर ये एरर दे देगा और कुछ के अंदर ये मतलब उसे इग्नोर कर देगा पॉइंट के आगे जो भी लिखा हुआ है, और पॉइंट के पीछे जो है उसे हमें आउटपुट में दे देगा। ओके, तो फ्लोट C++ के अंदर इसलिए यूज होता है ताकि पॉइंट्स वाले वैल्यूज को डील किया जाए। जी, किसी का क्वेश्चन था? जी बोलें। फ्लोट में जब हम आउटपुट दे रहे हैं जैसे 5.4 है ना, फी 0 आ रहे हैं आगे लिखे हुए। फोर को जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ? नहीं, आप जब कर रहे हैं तो 5.4 आ रहा है, लेकिन जैसे मैं सी प्रोग्राम भी कर रही हूँ ना, वहां पर मैं फ्लोट यूज करती हूँ ना, तो जैसे 5.4 है तो काफी आगे 0 आएंगे लिखे हुए। अच्छा, वो कुछ आईडीज में इस तरह हो सकता है कि क्योंकि फ्लोट हमारे पास आई गेस 4 बाइट्स का होता है, तो वो जितनी भी आगे वैकेंट स्पेसेस होती हैं ना, वो उसके आगे जितनी भी मतलब बन सकती हैं स्पेसेस के अंदर फिल हो सकती हैं, वो उसके आगे जीरोस को इंक्लूड कर देता है। बेसिकली पॉइंट्स के आगे वो तो नहीं होता ना, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं होती, आगे जितनी भी वैल्यूज डालो वो राउंड ऑफ करके वही वैल्यू बनती है। तो कुछ आईडीज में ये इशू होता है, इसीलिए मैं C++ के लिए डेव यूज करता हूँ, इसमें इस तरह के कोई इश्यूज नहीं आते। ठीक है, थैंक यू। ओके, वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन? नो। चलो ठीक है, किसी का था? और एक पॉइंट्स वाली वैल्यू को यूज करने के लिए हम डबल को यूज करते हैं। डबल और फ्लोट में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि डबल की जो बाइट लेंथ है वो हमारे पास ज्यादा है, ये ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है, और इसकी बाइट लेंथ आई गेस 8 बाइट्स। दोनों हमारे पास पॉइंट की वैल्यू को डील करने के लिए यूज होते हैं। इनकेस हमारे पास अभी जो इंटीजर है इसकी जो बाइट लेंथ है वो हमारे पास 4 है, और मेरे पास कोई बड़ा नंबर है जिसे मैं स्टोर करना चाहता हूँ इसके अंदर, तो उसके लिए एक सिंपल सा कीवर्ड है लॉन्ग। जब मैं लॉन्ग को यूज करूँगा तो इसकी जो बाइट लेंथ है वो बढ़ जाएगी और इसके अंदर बड़ा नंबर भी स्टोर हो सकता है। इसी तरह आई गेस लॉन्ग डबल भी होता है, लॉन्ग फ्लोट भी होता है, और बाकी सारे भी इस तरह होते हैं। इससे इनकी जो बाइट लेंथ है वो बढ़ जाती है, बड़े नंबर भी आ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ जी बोलें। ये बाइट लेंथ क्या है और इसका काम क्या है? एक्चुअली जो भी हम वेरिएबल बनाते हैं ना, उसकी बैक एंड में एक स्पेसिफिक लेंथ होती है, उसे एक स्पेसिफिक स्पेस असाइन करते हैं हमारा C++ या हमारा कंपाइलर।
तो उसके अंदर अभी कम जिसकी जितनी स्पेस होगी उसके अंदर छोटा नंबर स्टोर होगा, और जब बड़ी स्पेस होगी उसके अंदर ज़्यादा बड़े नंबर भी स्टोर हो सकते हैं। अभी जो करेक्टर है इसकी बाइट लेंथ 1 बिट होती है, 1 बाइट होती है, इंटीजर की 4 होती है, डबल की 8 होती है, तो इस हिसाब से इनमें इतने साइज के नंबर्स या इतने साइज के करेक्टर स्टोर हो सकते हैं। ओके मतलब कि अगर इंटीजर में हम 5 को स्टोर कर सकते हैं इंट में, हाँ, तो अगर हम डबल या लॉन्ग डबल लगाएंगे तो हम उधर 5000 या 50000 स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर में आप 50000 से भी काफी बड़े नंबर वैसे स्टोर कर सकते हैं, पता नहीं कितने लाख तक, बट उससे अगर बड़ा नंबर होगा तो वो इंटीजर में आपका स्टोर नहीं होगा। उसके साथ आप लॉन्ग लगाएं तो फिर उसका साइज बड़ा हो जाएगा और उससे बड़े नंबर भी आप स्टोर कर पाएंगे। जैसे बेसिकली अभी तक मैंने जितना पढ़ा है, जितने भी नंबर्स मैंने स्टोर किए हैं, उसमें इतना बड़ा नंबर आया नहीं है कि मुझे इतना बड़ा नंबर स्टोर करना पड़े। मोस्टली हम लॉन्ग वगैरह। और ये आप जी, और ये आप ये सब कुछ एक ही साथ कर रहे हैं तो रन सिर्फ वो जो स्पेसिफिक आप लाइन रन करवा रहे हैं वही क्यों हो रही है? बाकी में तो आपको ना वो डबल स्लैश यूज कर रहे हैं, मतलब कमेंट यूज भी नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं शो हो रहा फिर हमें जब रन करते हैं आप? कौन सा वाला? ये वाले ऊपर जो लिखे हुए हैं? नहीं, ये जो कोड कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर है ये। हाँ जी, ये सारा मैंने यहाँ पर सी आउट एक किया हुआ है ना, इसलिए सी आउट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ए को प्रिंट कर दो। मैंने थोड़ी सी देर पहले मतलब लास्ट वाले में आपको ये बताया था कि सी आउट, आई गेस मैंने आपको वेरिएबल्स का नहीं बताया। ओके, सो वेरिएबल्स को प्रिंट आउट करने के लिए हम इस तरह करते हैं, सी आउट के आगे सिंपल वेरिएबल का नेम लिख देते हैं। ये सारा सिंटेक्स वही है। अगर कोई मैसेज प्रिंट करना हो तो हम डबल कोटेशंस के अंदर लिखते हैं, और अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट आउट करनी हो तो हम वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए वही सेम मेथड है एंडल का, और उसके बाद जिस तरह आप कह रहे हैं बाकी क्यों नहीं प्रिंट हो रहे तो बाकियों को भी प्रिंट कर लेते हैं एंडल के बाद भी। अभी नेक्स्ट लाइन पर भी प्रिंट होगा, और जो हमारे पास थर्ड लाइन है उस पर हमारे पास सी प्रिंट करने के लिए मैं इसमें बैकस्लैशन वाला मेथड यूज कर लेता हूँ, एंड देन वी हैव सी। सो अभी तीनों हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है। एंड इन केस यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, तो अभी मैंने तुम लोगों कितनी डाटा टाइप करा दी, इंट, करेक्टर और डबल। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अच्छा चलो, लास्ट लेक्चर में मैंने एक और भी चीज़ बताई थी कि हम लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड करते हैं ताकि हम डिफरेंट फंक्शंस को इसके अंदर यूज़ कर सकें अपने प्रोग्राम के अंदर। तो जो स्ट्रिंग है वो हमारे सी प्लस प्लस में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होती, उसके लिए हमें एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ता है जिस लाइब्रेरी का हमारे पास नेम ही स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर मैं एक पूरी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहा हूँ स्ट्रिंग को, और अभी ये मुझे ये अलाउ करेगा कि मैं स्ट्रिंग डाटा टाइप को भी यूज़ कर सकूँ इसके अंदर। जिस तरह मैं कोई भी सिंपल वेरिएबल बनाता हूँ उसी तरह जस्ट बैग में मैंने लिखना है स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैंने इसका नेम लिखना है, लेट से एबीएक्स का नेम रख दिया, और जो भी स्ट्रिंग होगी उसे हम डबल कोटेशंस के अंदर लिखते हैं। रिसेंटली किसी ने क्वेश्चन किया था कि करेक्टर को हम सिंगल कोट में क्यों लिखते हैं, तो करेक्टर सिंगल कोट में होता है और डबल कोट के अंदर हम स्ट्रिंग को लिखते हैं। स्ट्रिंग के अंदर तुम लोग कुछ भी, लिटरली कुछ भी लिख सकते हो। जी बोलें, स्ट्रिंग क्या है? ये स्ट्रिंग का क्या मतलब है? हाँ वही मैं बता रहा हूँ। स्ट्रिंग बेसिकली एक स्ट्रीम होती है टेक्स्ट की, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। जिस तरह पहले मैंने मैसेज लिखा था ना सी आउट के बाद हेलो वर्ल्ड, तो इसके अंदर लिटरली मैं प्रॉपरली इस तरह भी लिख सकता हूँ। कोई भी टेक्स्ट मुझे लिखना हो, जिस तरह हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं सी प्लस प्लस के, उनमें हमें लिखा आता है कि इंटर योर नेम, तो उस तरह स्ट्रिंग के अंदर हम इंटर योर नेम प्रॉपर एक मैसेज को स्टोर कर सकते हैं।
और वो आगे एवेल्यूएट कर सकते हैं, या जो भी मतलब प्रिंट कराना हो, कोई कंडीशन लेनी हो, उन सब में हम अगर हमें टेक्स्ट रिक्वायर्ड है तो हम स्ट्रिंग को यूज करते हैं। ठीक है, जी बोले। आवाज आपकी नहीं आई, सॉरी, बहुत बोले दोबारा। सी आउट में एंडल का मतलब एंडल आपको नेक्स्ट लाइन पर लेकर जाता है। अभी बेसिकली इन केस में यहाँ पर एंडल नहीं लिखता तो ए और बी दोनों एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएंगे। अभी मैंने क्या कर दिया, ऐसे मैंने पूरा नहीं लिखा। ये देखो अभी फाइव, जो हमारे पास ए की वैल्यू थी फाइव, ओके 5.4, क्योंकि ये इंटीजर है तो इसने सिर्फ 5 को प्रिंट आउट किया है, और आई जो है इसे भी इसके साथ ही प्रिंट आउट कर दिया है। ठीक है, अगर इन केस में यहाँ पर एंडल लिखता तो हमारे पास आई को नेक्स्ट लाइन पर ये प्रिंट करता। मैंने यहाँ पर एंडल लिख दिया है तो ये हमारे पास देखो आई को इसने अभी नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट किया है। ठीक है, एंडल हमारे पास बेसिकली सिर्फ यही करता है कि नेक्स्ट लाइन पर लेकर जाता है, और सेम पर्पस बैक स्लैश एन भी परफॉर्म करता है। और चलो, और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकता है थ्रू आउट द क्लास। जी बोले सर, ये लॉन्ग डबल जो है ना इसमें, तो ये हम लोग इंटीजर लेंगे या करेक्टर या फ्लोट, मतलब इंटीजर ही ले सकते हैं मतलब, इसमें लॉन्ग डबल है ना। देखिए इंटीजर होता है ना, लॉन्ग एंड करते हैं तो वो इंटीजर को लॉन्ग, मतलब हम लोग लंबा इंटीजर ले सकते हैं जी। तो ये लॉन्ग डबल में क्या होता है? लॉन्ग डबल में भी सेम ही होता है, आप लंबा डबल ले सकते हो, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट की जो भी वैल्यू है आप बड़ी वैल्यू भी ले सकते हो। सर आपने कहा था कि इंटीजर में हम लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मतलब उसके अभी तक कोई वो नहीं आया कि भाई ये इतनी वैल्यू हम लोग, मतलब हद नहीं आई उसकी, तो लॉन्ग का आपने बताया, तो फिर उसके बाद लॉन्ग डबल की क्या जरूरत है, मतलब अब क्यों? जो डबल होता है ना वो बेसिकली डेसिमल वैल्यूज को इनपुट लेता है, जिस तरह फ्लोट लेता है। तो अभी तो लिमिट है इसकी, मैं अगर आप लोग चाहते हो तो मैं आप लोगों को गूगल करके दिखा सकता हूँ, बट चलो दिखाई देता हूँ। प्लस प्लस डबल मैक्सिमम वैल्यू, इसकी कौन सी, व्हाट इज ये 15 डिजिट, वो सिर्फ वहीं तक स्टोर कर सकते हैं, उसके अलावा अगर उससे लेंथ बढ़ जाती है तो वो एरर दे देगा। ओके, सही है, ठीक है सर, ओके। हाँ, किसी और का अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। तो चलो फिर वापस आते हैं। अच्छा बोले, क्या क्वेश्चन है आपका? सर ये जो आप मतलब डेव सी प्लस प्लस आप कर रहे हैं, इसको इसमें सी प्लस प्लस यूज कर रहे हैं, इस तरह ये हमें यूनिवर्सिटी में कराते हैं कोड ब्लॉक्स पे सी, तो कोड ब्लॉक्स पे सी प्लस प्लस नहीं हो सकता है? मुझे कोड ब्लॉक्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट साद भाई, बट देयर आर ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट। जी ओके, क्वेश्चन अगर आपका कोई है तो आप पूछ लें, 10 मिनट बहुत ज्यादा है, 10 मिनट में हो जाएगा। चलो तो आगे कंटिन्यू करते हैं फिर, अगर आप लोगों का क्वेश्चन नहीं है तो। स्ट्रिंग रिसेंटली थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, चलो दोबारा बता देता हूँ। अगर कोई भी टेक्स्ट मैसेजेस हमें स्टोर करने हो C++ के वेरिएबल्स के अंदर,
तो हम स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं। लाइक आप अपना नेम यूज़ कर सकते हो, कोई मैसेज इसके अंदर स्टोर कर सकते हो, या जो कुछ आप चाहो वो आप स्ट्रिंग के अंदर यूज़ कर सकते हो। ये आ गया ABX। और जब मैं इसे रन करूँगा, सो यू सी यहाँ पर मैंने हेलो वर्ल्ड इसके अंदर स्टोर किया था, और जब मैंने इसे आउटपुट किया तो ये मेरे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। इसी तरह स्ट्रिंग के अंदर तुम लोग कुछ भी स्टोर कर सकते हो, अपना नेम स्टोर कर सकते हो और कोई मैसेजेस स्टोर कर सकते हो और जो कुछ भी स्टोर करना चाहो। जिस तरह हमारे पास एस्केप सीक्वेंसेस सी आउट के मैसेजेस में यूज हो सकते हैं, उसी तरह एस्केप सीक्वेंसेस हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर भी यूज हो सकते हैं। लाइक हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज साद फ्लांडम कान, जो भी मैं करना चाहूँ वो मैं इसके अंदर कर सकता हूँ। ठीक है, एंड इन यहाँ पर आई थिंक स्ट्रिंग भी कंप्लीट हो चुका है, और आपको अगर इसके अंदर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का, आगे मूव फॉरवर्ड करूं? ओके, तो लास्ट थिंग हमारे पास आज के लेक्चर की रहेगी जो है, जी बोले आई एम स्टिल वेटिंग, अगर आपका क्वेश्चन है तो आप बोल दें। चलो सर, आपने ABX जो दिखा है इसके लिए आप स्ट्रिंग क्यों नहीं दिख रहे? हाँ, क्योंकि जो स्ट्रिंग का नेम है वो ABX है। जिस तरह अभी मैंने इंटीजर का जो नेम रखा था वो मेरे पास A था ना, तो उसे प्रिंट आउट करने के लिए मैंने A लिखा था, इसी तरह स्ट्रिंग का भी एक नेम मैंने रखा है, तो प्रिंट आउट जब करना है तो मैं उसके नेम से ही उसे बुलाऊंगा ना। ओके सर, एनी अदर क्वेश्चन? सर मैसेज देखने, मैसेज में दो तीन क्वेश्चंस हैं। जी जी पूछें, बिल्कुल पूछें। मैसेज में किसी ने किए हुए हैं क्वेश्चंस? ओ अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, क्लियर है? एंड पेन के बाद जो ब्रेसेस यूज होती हैं उनका क्या पर्पस है? ओके, तो अभी हमने फंक्शंस वगैरह नहीं पढ़े हुए। ये फंक्शंस जब हम पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि जब भी फंक्शंस हम कॉल करते हैं तो उसके आगे ये दो ब्रैकेट्स हम लाजमी डालते हैं। ये भी हमारे पास सी प्लस प्लस का सिंटेक्स होता है। ओके, एंड व्हाट इज दिस कंटिन्यू? एनीवेज सर, हम सी में हैश इंक्लूड के अलावा हैश डिफाइन भी यूज करते हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या है? ये दोनों प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। हैश इंक्लूड इंक्लूड करने के लिए यूज़ किया जाता है, एंड हैश डिफाइन आई थिंक ये भी किसी मॉड्यूल्स को इंक्लूड करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। एडवांस भी स्टार्ट होगी, बट अभी बेसिक्स ही होंगे, मतलब आज की इस क्लास में मैंने बेसिक्स ही करवाने हैं। जी जी क्वेश्चन करें ना। साइना सलीना, ओके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप करें, क्योंकि टाइम कम है, मैंने ऐसे कंप्लीट करना है, हमारा बस एक ही टॉपिक रह गया है। सर हमें अभी सी पढ़ा रहे हैं तो हम बेसिक्स में, मतलब हमारा सी चल रहा है तो सी प्लस प्लस इधर हम कर रहे हैं तो ये चीजें मिक्स नहीं हो जाएंगी, मतलब मुश्किल थोड़ी नहीं? सी प्लस प्लस और सी का ऑलमोस्ट सिंटैक्स सेम है, बस मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें सिर्फ इनपुट और आउटपुट का ही थोड़ा सा डिफरेंस है, स्कैन एफ एंड प्रिंट एफ यूज होता है, और जितना मुझे याद है उसका थोड़ा सा, मतलब सी प्लस सी मुझे प्रॉपरली याद नहीं है कि किस तरह होती है, बट उसमें हम यूज करते हैं एक स्कैन एफ हमारे पास यूज होता है, क्योंकि ये अभी सी प्लस प्लस का वो है आईडीई है तो ये इन्हें यूज नहीं करेगा। स्कैन एफ हमारे पास यूज होता है इनपुट के लिए, और आउटपुट के लिए हमारे पास यूज होता है प्रिंट एफ,
बाकी जो सिंटेक्स है इन दोनों का, सी का और सी प्लस प्लस का, ऑलमोस्ट सेम है। और ये जो हमारे पास है लेस देन के दो साइन, इनकी जगह ये ब्रैकेट्स यूज होती हैं स्कैन एफ एंड प्रिंट एफ में। ये आप बेसिक सिंटेक्स अगर आप गूगल पर भी सर्च कर लेंगे आप लोगों को मिल जाएगा। फोर मिनट्स रह गए, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर ले, मैं आगे नहीं तो कंटिन्यू करूँ। कंटिन्यू करें आप। ओके, सो लास्ट थिंग हमारे पास रह गई है वो है हमारे पास सी इन। सी इन हमारे पास इसलिए यूज होता है इनके सामने कोई भी इनपुट लेनी हो सी प्लस प्लस के अंदर, तो सी इन का सिंटेक्स भी सेम ही है। सी इन लिखो और सी आउट में जब लेस के हम ये यूज कर रहे हैं, ये सिंबल्स यूज कर रहे हैं लेस देन के, इसलिए C++ और CN में हमारे पास ग्रेटर के सिंबल्स यूज होते हैं। और जो कुछ भी मैंने इसमें इनपुट लेना है, जो भी वेरिएबल, उसका मैं यहाँ पर नेम लिखूंगा। लेट से यहाँ पर A आ गया, तो अभी प्रॉपरली थोड़ा सा जिस तरह प्रोफेशनल्स काम करते हैं हमारे पास उसी तरह करते हैं। लेट से C out enter our number। तो अभी सबसे पहले मेरे पास एक मैसेज प्रिंट होगा कि सी आउट इंटर अ नंबर और सी एन ए। ए में क्या होगा हमारे पास, ये जो ए वाला हमारे पास हमने वेरिएबल बनाया हुआ है इंटीजर डाटा टाइप का, उसके अंदर एक ये मुझे मैंने वैल्यू एंटर करनी है, ठीक है। जैसे ही मैं कोई भी वैल्यू एंटर करूंगा वो जाकर ए के अंदर स्टोर हो जाएगी। एंड यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट आउट कर लेते हैं जो हमें ए की वैल्यू बताएगा। एंड ए इज इक्वल टू यहाँ पर मैंने अभी कोई भी नंबर एंटर करना है, लेट्स से 88 मैंने एंटर कर दिया। एंड नीचे सेकंड मैसेज के थ्रू ये मुझे बता रहा है कि ये 88 है। तो बेसिकली हुआ क्या है, सबसे पहले ये वाला मैसेज प्रिंट आउट हुआ है सी आउट इंटर आ नंबर, तो ये मेरे पास यहाँ पर प्रिंट आउट हो गया है इंटर आ नंबर। उसके बाद मैंने कोई भी नंबर एंटर किया 88, तो हमारे पास 88 जो था ए के अंदर जाकर स्टोर हो गया।